वो डिटरमाइन करेगा कि निफ्टी का कौन सा स्टॉक अंदर आएगा और कौन सा स्टॉक बाहर जाएगा और ये जो जुलाई का महीना है वहाँ जनरली कट ऑफ होता है अगस्त में अनाउंसमेंट होती है और सितंबर में निफ्टी के चेंजेस लागू होते हैं नोआामा रिसर्च और आई अल्टरनेटिव रिसर्च के हिसाब से दो स्टॉक्स निफ्टी के इंक्लूजन कैंडिडेट्स हैं करंट मार्केट प्राइस और करंट माहौल को देख के सबसे पहले ट्रेंड और यहाँ हमने एक बड़ा ड्रीम रन देखा है और अगर ट्रेंड निफ्टी में आ जाता है तो लगभग छत्तीस करोड़ रुपए की बड़ी बाइंग आपको यहां देखने को मिल सकती है इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बी ई एल बीस तारीख को रिजल्ट भी आना है तीन दिन में रिजल्ट हैं और उसके पहले बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है तीन हजार तीन हज़ार एक सौ करोड़ रुपए की बाइंग यहां देखने को मिल सकती है निफ्टी इंक्लूजन के चलते एक्सक्लूजन जैसे कि अनुजी बता रहे थे कि ये नोन होता है मोरोलेस निफ्टी के जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं एलटीआई टी आई माइंट्री और दिवीज लेबोरेटरीज ये दोनों कैंडिडेट्स लगभग लगभग ये तय हो गया कि निफ्टी से बाहर जाएंगे अंदर आना तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे लेकिन एल टी आई और डीवीज लैबोरेटरीज दोनों ही स्टॉक्स में 1500 से 1800 करोड़ के बीच में सेलिंग आ सकती है लेकिन इसके अंदर एक अनुज एक तुरूप का इक्का है वो है जोमैटो और अगर आ, आ, अगर रेगुलेटर चाहता है कि अगले तीन चार महीने में एफ में आ जाए तो दो चीज़ें तय हो सकती हैं एक जोमेटो और एक जियो फाइनेंशियल ये दोनों कंपनी जो है निफ्टी फिफ्टी में इंक्लूजन के कैंडिडेट्स हैं लेकिन अगर ये एफएनओ में आए तो ही दोनों कंपनीज़ एलिजिबल होंगी अभी एनएससी को नए प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ा इशू चल रहा है ना या फिर वो एक्चुअली एक चीज होती है रेगुलेटर एक्सचेंज के बीच में जहाँ जहाँ हमको जानकारी नहीं होती है लेकिन हाँ, ये सॉफ्ट चेंजेस होते हाँ, रहते हैं हाँ, हाँ, आ, मुझे नहीं पता कि ये हाँ, रेगुलेटर चाहे तो कुछ भी होता हाँ, है।, है हाँ रेगुलेटर के ऊपर ही है इसीलिए मैंने शुरुआत में यही कहा और एक चीज है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स अगर ये स्टॉक बीस परसेंट से चला जो मुझे लगता है कि जो माहौल है और जो पोलिटिकल विल है मेक इन इंडिया और ये जो तेजस एयरक्राफ्ट बनाने की तो अगर हिंदुस्तान एरोनोटिक्स बीस चल सकता है तो यहाँ आपको निफ्टी इंक्लूजन होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो ये सारे जोकर इन द पैक हैं जो किसी भी वक्त आपके तकदीर बदल सकते हैं बिल्कुल तो खैर ये इस समय एक लिस्ट और अगर ट्रेंड आ गया मान लीजिए तो ये टाटा ग्रुप का छठा स्टॉक हो जाएगा निफ्टी में मैं ये देख रहा था पांच टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ऑलरेडी हैं निफ्टी में टी टाटा कंज्यूमर टाटा मोटर्स टाटा स्टील और टाइटन तो अगर टाइटन स्ट्रिक्टली पूरी तरीके से टाटा ग्रुप का नहीं है लेकिन फिर भी मेजोरिटी ओनरशिप टाटा मोट टाटा ग्रुप की है तो ये इंटरेस्टिंग होगा एक टाइम पे टाटा पावर भी काफ़ी क्लोज था इंडेक्स के मूव्स के तो काफ़ी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स यहाँ पर पॉसिबल हैं जितने से एक और सवाल करेंगे हम लेकिन पहले इन दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं ड्रीम रन रहा राजेश अग्रवाल जी ट्रेंट में इस समय और फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस स्टॉक्स में बी और कैंडरेड शायद एच भी हो सकता है इन स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा ट्रेंट पर भी और डिफेंस स्टॉक्स पर भी देखिए डिफेंस में तो बहुत अच्छी रनअप चल रही है ऑर्डर बुक देखो तो लगातार प्राइस सभी कंपनियों के फिर वो चाहे एच हो बी हो या दूसरी कंपनियां हो सबकी ऑर्डर बुक में हर क्वार्टर में हम बढ़त देख रहे हैं एग्जीक्यूशन हो रहा है मेक इन इंडिया वगैरह को लेकर के Uh, कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है दूसरे अब ये कंपनियां एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतरने की तैयारी कर रही है के खास करके अगर हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स की बात की जाए तो तेजस वगैरह को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट uh, बनी हुई है जिस तरीके का रमना हमने हिंदुस्तान एयरनाटिक्स में देखा है थोड़ा हो सकता है कि कॉन्सल्ट्रेट करे या कूल ऑफ हो लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है इसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जो निफ्टी में इंक्लूजन की बात अभी हो रही है इस वजह से मैं खाली नाम ही ले रहा हूँ जैसे कोचिंग शिप यार्ड है या दूसरी कंपनियां हैं वहां भी ध्यान देना चाहिए और जहां तक ट्रेंड की बात है नंबर्स अच्छे आए थे वर्किंग बहुत अच्छी आ रही है आप देखो तो न केवल हाइपर ट्रेंड के जो आपके वेबसाइट के शोरूम है वहां बढ़त हो रही है हाइपर में भी इनकी अच्छी बढ़त बनी हुई है

राजेश अग्रवाल जी से लेंगे मिड कैप फंडा ट्रेड ये चारों के चारों ट्रेड कुछ ही देर में लेकिन अब बात करते हैं एक स्पेस की जहां आज बहुत बड़ी रैली है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ई एम स्पेस में आज शानदार रैली है डिक्सन ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ बड़ी रैली है केन्स 20 परसेंट के अवर सर्कट पर लॉकड है आज सुबह रवि धर्मशी आए थे उनके पोर्टफोलियो में भी केन्स है उनसे ही बात की थी यदि से जानते हैं कि ये स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं फिर से एक बार इसका क्या लेना देना है कुछ मार्केट का वापस कुछ सेंस कर रहा है गवर्नमेंट आ रही है तो बिल्कुल बिल्कुल मेक इन इंडिया का थीम है हुँ. और अनुज जी देखिए क्यू फोर के दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे मतलब एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहती हैं लेकिन हुँ. जो गाइडेंस है फॉरवर्ड लुकिंग मुझे लगता है उसके वजह से मार्केट ने ये जो मोमेंटम लाया है उसी वजह से लाए हैं केन्स की बात करें तो क्यू फोर के रेवेन्यू में लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट का ग्रोथ था इंडस्ट्रियल बिजनेस जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जहाँ से एक बल्क रेवेन्यू आता है वो चार टाइम लगभग लगभग ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है केन्स के केस में महिंद्रा एंड महिंद्रा इनका नया क्लाइंट ज्वाइन हुआ है और सीमेंस हिताची जैसी कंपनीज को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और दोनों ही के नतीजे हमने देखे हैं सीमेंस हिताची ए बी बहुत बढ़िया कर रहे हैं केन्स की बात करें तो ये आ, बहुत जल्द सेमी टेस्टिंग में आने वाले हैं उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने वाला है और पी यानी जो कंट्रोलर बोर्ड्स होते हैं आ, वहाँ भी कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान कर रही है जिसके कारण आगे जाके मार्जिनस में आपको मोमेंटम दिख सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो बावन परसेंट की रेवेन्यू ग्रोथ रही है क्यू फोर में लेकिन मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है एफ आई ट्वेंटी फाइव में जहाँ कंपनी पी एल आई स्कीम का भी लाभ उठा सकती है जहाँ तक कि डिक्सन का सवाल है एक लार्ज ब्रांड उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि हम ऐड करेंगे एफ आई ट्वेंटी फाइव में तो एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से ग्रोथ बढ़ेगी इनकी जो देहरादून की फैक्ट्री है वहाँ मास प्रोडक्शन कंज्यूमर अप्लाइंसेज का शुरू होने वाला है जिसके कारण आपको एक क्यू या क्यू के ऑनवर्ड्स आपको मोमेंटम दिख सकता है गाइडेंस की बात करें तो डिक्सन ने एक बड़ा गाइडेंस दिया केपेक्स को कट करने का यानी केपेक्स कम होगा एफ आई में एफ आई के मुकाबले चार परसेंट का ब्लेंडेड मार्जिन रहेगा और कहीं ना कहीं लैपटॉप का प्रोडक्शन जो सितंबर में एक्सपेक्टेड है इसी साल में वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कंपनी के रेवेन्यू मॉडल्स के लिए बिल्कुल काफ़ी बड़ी रैली है जैसा यतिन ने कहा कि हालांकि नंबर्स अच्छे नहीं थे लेकिन खैर ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मार्केट अगले पाँच दस साल की बेट ले रहा है आ, और मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थीम चलिए अब एक काम करते हैं अब इस थीम पर हमने बात ऑलरेडी कर ली है